कामयाबी मिले। मुझे आशा है कि हम सभी स्वादिष्ट केक बनाएंगे। अब हम पता लगाएंगे। वाह, स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। खेल अभी शुरू हुआ है और मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। यह बर्फ के समान सफेद केक को लाल बेरी से सजाने का समय है। गंदगी मत फैलाओ। तुम हम पर हरे पत्ते क्यों फेंक रही हो? माफ करना, केक की वजह से मेरा ध्यान हट गया था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। यार, यह कितना स्वादिष्ट है। मैं भी केक को जल्दी से खाना चाहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मिलेगा। मछली? ये बहुत घटिया है। हाँ, वो तो पक्का है। महक पूरे कमरे में फैल चुकी है। मुझे समय पर गैस मास्क मिल गया। मैं इस घिनौनी चीज को कैसे खा सकती हूँ, अगर इसके पास रहना भी असंभव है। उससे क्या फर्क पड़ता है, मुँह के बाद जल्दी खाना है। यह नामुमकिन है। मुझ पर मत चिल्लाओ, मैं इतनी तेजी से कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों, मुझे पकड़ो, मैं इसे और नहीं कर सकती। हमें इस गंदी चीज से तत्काल छुटकारा पाने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, मैंने अपने जीवन में इससे बुरा कुछ भी नहीं खाया है। इस बकवास को निपटाने के लिए धन्यवाद। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं जल्द से जल्द बटन दबा सकूं। वाह, गमी वर्म्स। मैं कितनी लकी हूँ। मुझे उन्हें जल्दी से केक पर फैलाना होगा और इस स्वादिष्ट खाना को खाना होगा। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। उम्मीद भी मत करो। देखो, इतनी छोटी प्लेट में कितना बड़ा कीड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं केक के लुक को खराब नहीं कर सकती, यह बदसूरत हो जाएगा। हमें बड़े कीड़े को टुकड़ों में बांटने की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। खींचो खींचो, और जोर से। इतने जोर से नहीं। ऐसा लगता है कि डेजी को अब केक की जरूरत नहीं बल्कि एक डॉक्टर चाहिए। तो आशा करती हूँ कि अगर मैं केक खाऊं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। इस बार मैं सबसे पहले बटन दबाऊंगी। चॉकलेट अंडा। कुछ मुझे बताता है कि केक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे सजा कर रखने की जरूरत है और ताकि मैं जल्दी से खा सकूं। और इसके लिए मुझे सभी किंडर्स को जल्दी से सजाना होगा। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगी? हाँ, क्यों नहीं। पर तुमने अभी तक अपना खुद का बटन नहीं दबाया है। हो सकता है तुम्हें भी वहाँ कुछ स्वादिष्ट मिले। देखो, किंडर्स के अंदर एक सरप्राइज है। यह रंगीन स्प्रिंकल्स है। बहुत स्वादिष्ट। कैसा है, क्या यह केक स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत। अब मैं इन स्प्रिंकल को केक पर कुछ बिखेर देना चाहती हूँ। इससे यह और भी खूबसूरत लगेगी और जाहिर है बहुत स्वादिष्ट भी। यह स्वादिष्ट है। बहुत
तुम्हें पता भी नहीं कि कितना। आशा करती हूँ कि मैं भी किस्मत वाली निकलूं। वाह, स्ट्रॉबेरी जैम, मुझे ये पसंद है। वह निश्चित रूप से केक को कम सूखा और अधिक स्वादिष्ट बना सकता है। मुख्य बात है ये ज्यादा नहीं है, नहीं तो ये बहुत मीठा हो जाता। ओह, अब केक बहुत मीठा हो जाएगा। तो क्या ये बढ़िया नहीं है? दरअसल हाँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। मैं भी जल्द से जल्द बटन दबाना चाहती हूँ। कोला, मेंटोस। मैं केक के साथ कोला और मेंटोस को कैसे मिला सकती हूँ? मैं इसे पानी नहीं दूंगी, नहीं तो ये निश्चित रूप से चारों ओर से भींग जाएगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जब एक असली फाउंटेन बना सकते हैं तो इसे पानी क्यों दे? कोला, केक, मेंटोस, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फव्वारा होगा। बस सावधान रहो ताकि हम भींगे नहीं। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, कितना छोटा सा फाउंटेन। हाँ, मैंने सोचा था कि और भी कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों, मुख्य बात यह है कि यह स्वादिष्ट था। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है, और यह केक भी है। हाँ, यह सच में बहुत खूबसूरत है। मेरे पास भी एक गुलाबी गुड़िया है जो मुझे बहुत पसंद है। आओ देखें कि मुझे क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। ओ यार, मुझे मेरा फेवरेट बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम मिली है। ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है। ये पूरी तरह से रंग से भी मेल खाते हैं। दोस्तों, अंत में मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा आइडिया, यह कमाल का है। मैं आइसक्रीम को पिघलाकर उस पर डाल दूंगी। हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या करने वाली हो। प्रिंकल्स के साथ यह केक और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, यह तो अच्छा आइडिया है। अब देखो, और इस तरह से मेरी राजकुमारी की ड्रेस और वास्तविक रूप से सुंदर हो जाएगी। लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ खा लूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है केक, मुझे भी वो चाहिए। क्या टॉक्सिक वेस्ट? ये बहुत खट्टी कैंडीज है। हालांकि मैंने उन्हें कभी खाया नहीं है, इसलिए मैं गलत हो सकती हूँ। अरे नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, ये वास्तव में बहुत खट्टा है। मैं वो नहीं खाऊंगी। ओ हाँ, तुम्हें वह खाना होगा, यही नियम है। कल्पना करो कि यदि तुम इसे कैंडी से सजाती हो तो तुम्हारी गुड़िया की ड्रेस कितनी सुंदर होगी। ठीक है, तुम सही हो। मुझे आशा है कि केक भयानक खट्टेपन को कम कर सकती है। खाओ खाओ खाओ। नहीं, यह भयानक है। दोस्तों, यह असहनीय है। मैंने तुम्हारी बात क्यों सुनी? मुझे वो बकवास नहीं खाना चाहिए था। चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। आशा है कि कुछ स्वादिष्ट हो। अरे नहीं, यह मस्टर्ड नहीं, वो मेरा केक बर्बाद कर देगी। बिल्कुल, वो इसे तीखा कर देगी। ये तुम्हें पसंद आएगा। मैं कम से कम सुंदर पैटर्न बना सकती हूँ, तभी इतना बुरा नहीं होगा। और अब इसे खाने का समय है।
कैसा है? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत ही बेकार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ जल रहा है। प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ सब जला दूंगी। चिंता मत करो, मेरे पास फ्रिज में बर्फ है ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए। ये तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, इसने वास्तव में मदद की, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। फिर से गर्म। ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम सारा बर्फ अपने ऊपर डाल लो। बस इतना ही कि मैं खींच लिया है। तो हम किससे शुरू कर रहे हैं? अरे नहीं, खट्टा स्प्रे कैंडी। इतना खट्टा, या तो जरूरत से ज्यादा था। जैस, अब तुम्हारी बारी है अपने डिश को देखने की। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए और गम। ए, और यह ब्लू भी है, जैसा मुझे पसंद है। मैं इसे खोलने के लिए तैयार हूँ और इसे खाने के लिए भी। कितना स्वादिष्ट और कितना बड़ा। क्यों ना चीजों को थोड़ा दिलचस्प बनाया जाए और इस दौर के लिए एक टाइमर लगाया जाए। यह बहुत आसान लग रहा है, चलो इसमें कुछ खट्टा स्वाद मिलाते हैं। ओह, इसकी शुरुआत अच्छी हुई थी। ओह, अब चलो, मुझे यकीन है कि अभी भी मजेदार होगा। शुरू करो। यह भयानक है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। बेचारी लड़की, मैं बस अब यह सब खत्म कर दूंगी। यहाँ अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है। जैस, तुमने यह कर लिया। हो गया, मैंने सच में कर लिया। वाह, मैं पहले। कितना प्यारा है ये, एक स्वादिष्ट बोतल पॉप है। इसका ऊपरी भाग मीठा और अच्छा है। ओ, और अंदर भी कुछ है। यह अच्छा और खट्टा है। थोड़ा और प्लीज। ओ, यह बहुत अच्छा है, मैं तो रुक ही नहीं पा रही हूँ। जैस, कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह करती हो। एक टॉयलेट? क्या यह सच में कुछ खाने वाला है? और इसके अंदर क्या है? मुझे लगता है कि मुझे इसे चख कर देखना चाहिए। मेरे लिए भी खट्टा पाउडर। कितना स्वादिष्ट है, मुझे दुगना हिस्सा मिला है। मुझे यह पसंद आया। यह कैसे शोर है? शांत जैस, शांत हो जाओ। लो अपनी बोतल ले लो। अब ठीक है, बहुत अच्छा। कितनी अच्छी लड़की हो। चलो उचित रूप से तय करते हैं कि पहले कौन देखेगा। ये मैं जीत गई, माफ करना। कोई गलत तरीका नहीं। देखो कितना विशाल पॉप रॉक, यह चीज हमारे मुंह में विस्फोट करती है। मुझे आश्चर्य है इस सिरिंज में क्या होगा। यह मीठा है, यह अद्भुत लग रहा है। अब इस सबसे महत्वपूर्ण, इसे चक कर देखने का समय है। मैं अपनी जीभ पर बहुत सारे छिड़कने जा रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि सारे पॉप हो रहे हैं। ओह, क्या होगा अगर मैं इसे सिरप से ढक देती हूँ तो? यह तो और भी अच्छा हो गया। अब मुझे इतनी ऊर्जा मिल गई है कि मैं पूरी रात डांस पार्टी के लिए तैयार हूँ। बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी कैंडी इतनी जल्दी खत्म हो गई। क्या मुझे देखना चाहिए कि मुझे क्या मिला है? एक बिच्छू वाला सकर। मुझे तुरंत जैस की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जैस, मदद पहुंचने ही वाली है। अब मेरी प्राथमिक चिकित्सा के ज्ञान का परीक्षण करने का समय है।
धन्यवाद डॉक्टर, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो फिर तुम्हें अपने डिश को खाने में सक्षम होना चाहिए। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। देखो तुम बिना मतलब के डर रही थी। हाँ? बिना मतलब के नहीं, इस बिच्छू को देखो, जरा रुको, मुझे लग रहा है यह सिर्फ एक खिलौना है। इस बार मुझे दिख रही है नीली आंखें। वाह, वे बहुत सुंदर है। देखो वे कितनी सहजता से हमारी ओर देख रहे हैं। वाह, अब मैं उन्हें खाने के लिए जा रही हूँ। ओह, बहुत बढ़िया, और इसे जेली सिरप से भरा गया है, बहुत अच्छा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे जलन हो रही है। यह चीज केवल खाने के लिए अच्छी नहीं होती है। अरे जेस, इधर देखो। बस मजाक कर रही थी, तुम तो बस ऐसे ही। तुम्हारे छोटे से मजाक से मैं तो लगभग भूल ही गई थी अपने डिश के बारे में। और मुझे मिले हैं नीली गमबॉल। बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम सही, वैसा ही जैसा कि मैं उम्मीद कर रही थी। ओ, मेरी जीप पूरी तरह से नीली हो गई है। अब संभल कर रहो एमा, थोड़ा बदला लेने का समय है। नहीं, डरा दिया। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक पूरी बाल्टी गमी कैंडीज, यह तो एक सपने के सच होने की तरह है। कितने मीठे और मुलायम, और उससे भी बहुत ज्यादा। उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि मैं भी उतनी ही भाग्यशाली निकलूं। यह क्या है? यह टूथपेस्ट की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका स्वाद बेहतर होना चाहिए। मैं थोड़ा खा कर देखती हूँ। ओह, यह चीनी का जेल है। आप जोखिम उठाने में कोई डर नहीं है, या तो कुछ बड़ा करो या अपने घर जाओ। जेस, मेरे पास एक जीनियस आइडिया है। हम दोनों अपने अपने ट्रीट को एक साथ मिला देते हैं। मुझे मेरा चम्मच मिल गया है, क्यों नहीं हम आगे बढ़े और शुरू करें। मैं तैयार हूँ। बहुत असामान्य लग रहा है। यह चबाना थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मुझे दूसरा चाहिए और तीसरा। मुझे भी, मैं रुक नहीं सकती जब तक कि पूरी बाल्टी खाली ना हो जाए। ओह, खाली हो भी गया। जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं पहले। मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि यह क्या है। बेहतर होगा कि मैं इसे पहले किसी कागज पर जांच कर लूं। ओह, यह तो जलने लगा। ओह, यह तो चिंताजनक है। फिर इसका असर मेरे ऊपर क्या होगा? केवल एक ही तरीका है पता लगाने का, मैं जोखिम लेने से नहीं डरती। उफ, मैं ठीक हूँ, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। मुझे ये पसंद आया, मैं थोड़ा और लूंगी। अरे नहीं, इस तरह बहुत खट्टा है। मेरी आंखें इससे फड़फड़ा रही हैं। मुझे आशा है इससे कुछ बेहतर मिलेगा। चम्मच, खैर शुरू करती हूँ। अगर मैं थोड़ा सा इसका छिड़काव कर देती हूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे दो। मैं देख रही हूँ कि तुम ये सब पूरे जोश से कर रही हो। वाह, यह अद्भुत है। मैं वो लूंगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हें खट्टी चीजें बहुत पसंद है। रुको, क्या यह वैसा नहीं है जैसा तुम चाहती थी?
Ew. पर यह खट्टा और मीठा का संयोजन लाजवाब है, स्वाद का एकदम सही संतुलन। तुम शुरू करो जैस, यदि तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है। वाह, कितनी सुंदर चीनी क्रिस्टल, यह कीमती गहने की तरह दिख रहा है। और इसका स्वाद लाजवाब है, बस इसके साथ सावधान रहने की जरूरत है। जब तक तुम इसका स्वाद ले रही हो तब तक मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है। वाह, यह हीरे मेरे साइज का है। मुझे निश्चित रूप से अब इस पुरानी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे इसके बदले सही चीज मिल गई है। यह तो मंत्रमुग्ध कर रहा है। तुम उसके साथ एक स्टार की तरह लग रही हो। यह केवल देखने में ही अच्छा नहीं है बल्कि इसका स्वाद भी सही है। अरे एमा, वह क्या है? इसके बारे में पता नहीं। कितना बुरा है, मैं अब और नहीं चाहती। मैं बस अपने इस चीनी से बने हीरे से ही काम चलाऊंगी। यह सही नहीं है, तुम्हें यह लेना ही होगा। अरे नहीं, तुमने मेरी अंगूठी बर्बाद कर दी है। कितना खराब। वापस से ठीक हो गया। पहले जाना मेरे लिए ठीक रहता है। हालांकि शायद मुझे अपने मन से पहले नहीं जाना चाहिए, यह टॉक्सिक कैंडी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि लोग इसे कैसे खाते हैं। ठीक है, अब पीछे नहीं हट सकती, मैं इसे संभाल सकती हूँ। ओ नहीं, मेरी तो जीभ ही जलने जैसी हो रही है। अपने को संभालो जैस, ऐसा लग रहा है कि मेरा मुंह फट रहा है। कितना भयानक है। अच्छी बात है कि मैं फिर से भाग्यशाली हूँ, मुझे यह काफी पसंद है। मैं इसका एक बड़ा पैकेट पाकर उत्साहित हूँ। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्ट्रेची है, देखो मैं इसे कितनी दूर तक खींच सकती हूँ जैस। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। इसके साथ कुछ और भी था, मुझे लगता है इसमें भरने के लिए फीलिंग। जितना ज्यादा उतना अच्छा। अरे नहीं, यह एक गलती थी। मैं बस बुरे वाले को हटाकर अच्छा का आनंद लूंगी। ठीक है, अभी के लिए हो गया। रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पर इसके लिए मुझे तुम्हारी आंखें बंद करनी होंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही स्वादिष्ट लेकर आने वाली हूँ। पूरा मुंह खोलो। कितना घिनौना है, यह क्या था? मैंने इससे बुरा कभी कुछ नहीं खाया है। और मैं इधर सोच रही थी कि तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज? खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है, चलो। चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी, तुम इसे ठीक से करो नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है, सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा तेल, और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है।
बस अब बस इसे तलने जा रही हूँ मैं, अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से, और अब इसमें थोड़े से सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है और यहाँ मैं हूँ, मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो, यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस चक्कर बताओ। वाह कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे इस तरह से। खैर इसे खा लेती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह बहुत अच्छा। और अब ओह यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह ओह वाह लाजवाब, मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह कितना बढ़िया है ये। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे ये पता था, मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। ओके बढ़िया। नाइस। आसान है। अरे नहीं ओ नहीं ये क्रैश हो गया। ओ मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। आह कितना गर्म है। ठीक है मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं उफ क्या बैड लक है। ओह कितना भयानक बेकार नमक। अब उसे अरे नहीं अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ अब अंडे को फेंट लिया फिर दूध डाला। बढ़िया ये अच्छा। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया। ओह लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो। बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ इस तरह से। इसे पकड़ो बच्चे। हाँ देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ इस तरह से। और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओ समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओ, ओ, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी।
और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओ, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना, यह क्या है? मैंने कभी इसे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं, इसे खाकर बता। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओ, कुछ बेकार सा। वाह, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे नहीं चखूंगी। और यह? ओ, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? यो, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। या, मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश? क्या सच में? ओ वाह, मैं जीत गई, मैं जीत गई। ओ, मेरी कमर। ओ, अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। मिल्क शेक, फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास नहीं, यह सही साइज का है। ओ, हरिबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। वाव। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्षी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ग्लास में सिरप डाला ऐसे अच्छे से और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिपिंग से सजा देते हैं और ओरियो और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओ, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार है। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है। चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है। ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो, ओ बस कमाल का। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्कशेक को विनर घोषित करती हूँ। ए हाँ, मैं यह जानती थी, यह सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश। दो और बदकिस्मती से फिर से ऐसा लगता है कि दिन उसके लिए मुश्किलों से भरा है। चतुर्भुज आइसक्रीम, गोल तरबूज और एक त्रिकोणीय मिर्च। हाँ, यह काफी तीखी है। मुझे कुछ ठंडी चीज की जरूरत है। हाँ, यह बहुत बेहतर है। ठीक है, मुझे सारे बीज निकाल दिए, अब मैं इसे खा सकती हूँ। इतना स्वादिष्ट। मेरा मुंह जल रहा है। दूसरी बार खाएं।
थैंक यू। मैंने ऐसा क्या किया है? दिमाग जम गया। यह असंभव है। मुझे ठंड लग रही है और ये मुझे लगता है मैं जीत गया। मैं बेहतर था पर जल्दबाजी में परेशानी हुई। फिर से नहीं, सही में? हम तीन नए व्यंजनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओह ओह, एंडी लिली अपने बर्गर और एमा उसके टॉर्टिला चिप्स के साथ खुश है। एक मिनट भिगोने से पहले ही खाने की कोशिश करता हूँ। मेरे तो दांत ही टूट जाएंगे। क्या एक रसदार और स्वादिष्ट बर्गर है। मेरे तो मुंह में पानी ही आ गए। ओह, काश मैं इसे एक बार में ही खा लेती। ओह हाँ, ये थोड़ा बेहतर है। धन्यवाद। इसके साथ मैं क्या करूँ? शायद तोड़ दूं। नो, यह तो उतना ही बुरा है। और यह एक और वह भी एक, यह बात है। मैं चैंपियन हूं। अंत में मैं नहीं हारी। हाँ, समय सबके अंक समान है। केक, बिस्किट और प्याज। मुझे लगता है हम सब। ओ, मीठा खाने का समय। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है। यह एक बुरा सपना की तरह था। इसका मजा ही ले लेते हैं। आई एमा की मुस्कान पर कुछ आंसू बहाए। ओह, यह फ्रॉस्टिंग तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ओह सच में एमा, क्या तुम्हें विश्वास है कि यह स्वादिष्ट है? वह क्या है लिली? नहीं जानता कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। आपके पास कोई सबूत नहीं है। एक और चालाक विचार, आप बिना रोए प्याज कैसे खा सकते हैं? अब मैं प्रतियोगिता में उतर सकता हूँ। अब जल्दी से। यह मेरा आखिरी बिस्किट क्रैकर था। मैं फिर से गोल्ड लेता हूँ। सच में तो मैंने सब कुछ खा लिया ऐसे बिना मतलब के। हाँ, मेरे साथ अपनी पीड़ा साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे नीचे लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दो को भी दे सकते हैं। स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। करो, ये मेरी पसंदीदा कुकीज है। मैं इसे पसंद करती हूँ। ताजा फल, मैं इसे पकवान के बिना खुश नहीं हो सकती। उन्हें खोलो, ट्विस्ट और अब ठंड। आप सिर्फ सादी पाव रोटी खा सकते हो। कोई सॉस नहीं, मीट, चीज, कुछ भी नहीं।
सुपर स्पीड, वाह, मैंने तुम दोनों को हरा दिया। और जैसे आपने मेरा शीर्षक चुरा लिया। मैं प्रतियोगिता के बारे में रोमांचित हूँ और भूल गया हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, मैं ये भूल गई कि मुझे अनानास से हल्की एलर्जी है। मुझे यह नहीं करना चाहिए। इस दौर में क्या है? नींबू के स्लाइस, मार्शमेलो और एक गाजर। एमा इसके खिलाफ नहीं है। ओह, ये बहुत खट्टा है। ओह, ये इस तरह खाने के लिए नहीं है। ओह, अच्छा नहीं है। क्रंच क्रंच क्रंच। मुझे आश्चर्य है कि मुझे गाजर से इतना प्यार क्यों है। शायद मैं पिछले जन्म में एक खरगोश था या कुछ और। मैं एक शर्करा चेजर का उपयोग कर सकता था। लिली के बारे में भी मत सोचो। एंडी खाना साझा नहीं करता है। पहले खत्म करने के लिए फिर से। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने भी सब खा लिया, देखो। हालांकि ये बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी थाली पूरी खाली करनी होगी। मेज पर क्या है? लीली के पास एक अनार, चॉकलेट एंडी के लिए और एमा के लिए एक दिलकश पेस्ट्री है। चारों तरफ मुस्कुराहट। और इतना सुंदर भी। चॉकलेट से बेहतर कुछ भी नहीं। ओ, मैं इसे खोल कैसे खोल सकती हूँ? मैं हार रही हूँ। मुझे अभी यह पता लगाने की आवश्यकता है। एक साथ? हाँ, उसी समय। हमारा टाई है और लिली अंतिम स्थान पर है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे किया गया है। ताजा रस फलों की अपनी रस प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका। आनंद ले। ओह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और स्वाद भी बेहतर है। अभी भी आगे जाने के लिए बहुत अधिक चुनौती है। एक सैंडविच। अच्छी बात यह भी है कि मैं बहुत अधिक भूखी थी। स्वादिष्ट हैम के स्लाइस से बेहतर क्या हो सकता है? ठीक है, जो भी यहाँ के प्रभारी को पता है कि मुझे ऑमलेट से नफरत है। यह ठीक है, मैं इस जल्दी से ठीक कर सकती हूँ। अब यह बेहतर है। क्या हनीकॉम्ब? मुझे वही मिला है। ओ, यह अच्छा सामान है। यह खाना पड़ेगा। बहुत अजीब है। स्वादिष्ट दौर है। हर कोई रोमांचित है। एक चूसने वाला सुशी और चॉकलेट याद रखने की चीज है। चलो प्रतियोगिता शुरू होने दो। सबसे अच्छा दौर कभी। आपको यह सही लगा? मैंने दूसरी चॉपस्टिक खो दी है। वो ठीक है, मैं एक के साथ काम चला सकता हूँ। मैं सुशी पॉप्सिकल बनाऊंगा। यह एक लाख डॉलर का विचार है। इतना आसान है।
मुझे तेजी से चाटने की जरूरत है। नो, मैं उनके पीछे मीलों दूर हूँ। ओह, अब छोड़िए भी। ध्यान दो, यह अंतिम दौर है। डिजर्ट के लिए क्या है? गामीज, जेलो और पिज्जा। वाओ! मुझे लगता है कि यह पिछले वाले की तरह ही मनोरम होगा, सिवाय एंडी के अपने केक के जिगली कट से प्यार नहीं है। खैर, शुरू करने का समय हो गया। क्या आप जेलो को चबाने वाले हैं? वास्तव में बुरा नहीं है, फिर मैं सभी मसालेदार खाद्य पदार्थों के साथ क्यों फंस जाती हूँ? यह मिर्च मुझे परेशान करने के लिए वापस आ गया है। तेज तेज, और भी तेज, चबाओ चबाओ। मुझे कुछ बर्फ चाहिए। एमा, आपको भी जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या, क्यों नहीं? आपने उसे कैसे प्रबंधित किया? विजेता के लिए तालियों का एक दौर। थैंक यू, क्या केवल इतना ही? मैंने इतना छोटा कुल्ला कभी नहीं देखा। मैं बहुत लकी निकली। लकी? देखो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। मैंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी। लेकिन जो सबसे कम लकी है वह पहले शुरू करेगा। मैरी, तुम पहले करो। एकदम आसान, केवल इस छोटी बोतल को किसी तरह खोलना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसी भी तरह खोल कर रहूंगी। अब खुल भी जाओ। ओह, मैंने कहा था मैं किसी भी तरह खोल ही लूंगी। कितना स्वादिष्ट, पर अफसोस की बात है कि इतना कम था। एमा, अब कोक को पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा सोडा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसे और भी स्वादिष्ट क्यों ना बनाएं? जैसे कि कोला में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अब बस सब तैयार है। अब इसे थोड़ा हिलाना है। और बेशक आप कोला गर्म नहीं पी सकते, इसे अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। हो गया, आप इसे पी सकते हैं, या बल्कि इसे खा सकते हैं। वाह, उसे कोला फ्लेवर्ड जेली मिली है। बिल्कुल, यह सब फ्रिज में शहद की वजह से हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं सारा अभी खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, शायद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, नहीं, शहद की वजह से मेरा हाथ बोतल से चिपक गया। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं गंदा नहीं होना चाहती। तब मुझे टेबल का उपयोग करना होगा। अब मैं अपने हाथ का क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। खैर, अब कोक पीने की मेरी बारी है, और मैंने इसके लिए स्ट्रॉ तैयार रखा है। अच्छा दिख रहा है ना?
ओ नहीं, मैंने स्ट्रॉ डुबो दिया। अब मैं निश्चित रूप से कोला नहीं पी सकती। ये अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। और मैं इसे एक लंबी स्ट्रॉ बना सकती हूँ। हे एमा, मेरा कहना है कि क्यों ना उसके आइडिया को उधार ले ले और कोक भी। हे, यह क्या है? एक मिनट रुको। लड़कियों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? क्या तुमने बचपन में नहीं सिखा है कि दूसरों की चीजें नहीं ले सकते? हटो यहाँ से। लालची, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं हमेशा मेंटोस कैंडी अपने साथ रखती हूँ। तैयार? अब यह विस्फोट करने वाला है। हुरे, कितना बढ़िया विस्फोट है। अब मैं पूरी चिपचिपी हो गई हूँ और मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब हम सब फनी दिख रहे हैं। ये इसके लायक था। हाँ, इससे मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हाँ, पर ये नूडल्स बहुत तीखे होते हैं। ओ नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पूरी बाल्टी भर कर नूडल्स है। अच्छी बात है कि केट इस बार शुरू करेगी। मैं कायर नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से नूडल संभाल सकती हूँ। और ये ज्यादा भी नहीं है। ओह, यह कितना तीखा है। दोस्तों, तुम्हारे लिए बहुत ही बेकार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हाँ, यह अच्छा नहीं है। एमा, मैं तुमसे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। जितनी जल्दी मैं इसे खाऊंगी, उतनी जल्दी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सब ठीक है। ओ, मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि केट किस बारे में बात कर रही थी। सच में बहुत तीखा है। ओ, मैंने काफी दिनों बाद इतनी आग देखी है। अब यह बहुत बेहतर है, पानी ने मदद की। मैरी, बातें करना बंद करो, यह नूडल्स खाने का समय है। लेकिन मैं ये नहीं खा सकती, नहीं। पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एमा, मुझे थोड़ा पानी दो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी मदद करेंगे मैरी। धन्यवाद, यह इस तरह से बहुत आसान है। मैं खाना जारी रख सकती हूँ। बस मुझ पर स्प्रे करना नहीं भूलना। मैरी, तुम हमेशा हम पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, पर मुझे पानी चाहिए। लगता है पानी खत्म हो गया है। कितना बुरा समय है, बचाओ। दोस्तों, मुझे तुम्हारे बाल के लिए अफसोस है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह, कितना कटीला कैक्टस, तेज और बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा कैक्टस बड़ा है? क्या तुमने मेरा देखा है? इसे तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। जब तुम्हारे खाने की बारी आएगी, देखते कि तुम कितनी शांत रहोगी। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कैक्टस के सारे कांटों को हटा दिया जाए, तब मुझे ये चुभेगा नहीं। यह अच्छे से हो गया। स्वाद अभी भी वैसा ही है।
लेकिन ट्वीज़र वाला मेरा आइडिया काम किया। ठीक है, अब मेरा हो गया। अब एमा की बारी है। मुझे भी कांटों से छुटकारा पाना होगा और मुझे इससे अच्छे से निपटना आता है। यह तैयार है। वाओ एमा, तुम एक असली निंजा हो। शाबाश। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन बातें करना बंद करो, यह खाने का समय है। ओ नहीं, यह बहुत खराब है। यहाँ तक एक निंजा भी ऐसे कचरे को संभाल नहीं सकता। घिनौना। लेकिन तुम्हें अभी भी इसे खाना होगा। आखिर ऐसे बेकार नियम को बनाया किसने? ओह, नहीं, बहुत हो गया। इतनी खराब चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। खैर, मेरा हो गया, अब सिर्फ तुम बची हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं मैरी की तरह करूंगी। मैं भी ट्वीज़र के साथ सभी कांटों को बाहर निकालूंगी। मेरे पास एक बेहतर और तेज आइडिया है। केट, यह आरी ले लो। आरी? ओ नहीं, मैं उसे वैसे भी संभालना नहीं जानती, लेकिन ट्वीज़र के साथ ये आसान है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठकर इंतजार कर लेते हैं। उफ, ऐसे बैठकर इतना इंतजार करना कितना बोरिंग है, और अभी भी बहुत बचा है। चलो अब खा भी लो। केट, इतना समय क्यों लगा रही हो? रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यह तैयार है। ओह, सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं अकेले ही इसे खा लेती हूँ। महक तो ठीक है। ओ, लड़कियां सही थी। कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा है। लेकिन जब से हर कोई सो रहा है, किसी को शक नहीं होगा कि मैंने इसे फेंक दिया है। ओ, वह क्या था? ओ, ये मैं हूँ। बस वह इतना खराब था, मैंने उस बर्तन को दूर फेंक दिया। ओह, बेचारी केट, वो मेरे झांसे में आ गई। कूल, मुझे न्यूट्रेला बहुत पसंद है, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा हो। वाओ, वैसे भी मेरे पास सबसे अधिक है। हाँ, तुम लकी हो। लेकिन केट शुरू करेगी, लेकिन न्यूट्रेला को ऐसे खाना जल्दबाजी होगी। मैं सबसे पहले छोटे टोस्ट बनाऊंगी, ताकि चॉकलेट पेस्ट फैलाने के लिए कुछ तो हो। जरा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा किचन है। थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसे पलट देते हैं, और मेरा छोटा टोस्ट तैयार है। और अब समय है न्यूट्रेला को लगा लेने का। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह कितना प्यारा है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं तो इसे जीवन भर खाना चाहूंगी। यह अफसोस की बात है कि जार छोटा है। यह बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, अब मैं भी न्यूट्रेला के मजे ले सकती हूँ, और इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपनी उंगलियों से खाऊंगी। ओ हाँ, यह तो कमाल का है। पर यह बहुत साफ नहीं है, लेकिन यह बहुत स्वादिष्ट है। ओ नहीं, हे,
मेरा हाथ। केट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, हम इस आरी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। ओ एमा, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर अब जार को बाय बाय करने का समय है। एमा अब तुम्हारी बारी है। वाह जरा देखो कितनी चॉकलेट है। लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी संभाल सकती हूँ। मैंने विशेष रूप से एक विशाल चम्मच भी तैयार किया है इसके लिए। ओ हाँ ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओ ओ, ऐसे जार के लिए चम्मच बहुत छोटा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच के बिना सब कुछ खत्म कर दूंगी। ओ हाँ मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ओह, तुम्हारे शिष्टाचार किधर गए? एमा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ओह, केक। इसकी फ्रॉस्टिंग तो कमाल की है। लेकिन जाहिर तौर पर हमें इसे खाने की अनुमति नहीं है। ओह समझ गई, हमें केक में कुछ और चीजों को जोड़ना है। ठीक है मैं पहले। वाह M&M's, मेरी किस्मत अच्छी है। ये कैंडीज बहुत रंगीन है। अब तुम्हारा केक इंद्रधनुषी रंग में ढक गया है और यह खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है जितना दिखने में। मैं भी अपने केक को खाना चाहती हूँ। अरे नहीं, मिर्च के अलावा कुछ भी दे दो। यह जल रहा है। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, तुम्हें इसे ऊपर से डालना ही होगा। पर मैं इसे छू भी नहीं सकती, मुझे डर लगता है। Oh no! Oh man! Oh, तीखा, तीखा, बहुत तीखा। कोई फायर डिपार्टमेंट को बुलाओ। तुमने क्या किया? तुमने मेरे केक को ही निशाना क्यों बनाया? अब ये तुम्हारा हुआ, लो। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन तुम गंदा खेलना चाहती हो तो फिर ठीक है, हम दोनों ही ऐसा कर सकते हैं। Are you ready? हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। चलो जाने के पहले कौन जाएगा? मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी असमंजस में हो, इसलिए मैं जाती हूँ। No! अरे नहीं नीला चीज। कितनी बदबू आ रही है, बुरा हुआ। मुझे इसके पास रहने के लिए गैस मास्क की जरूरत है। ठीक है अब खाने का समय। ओ हाँ मैंने मास्क पहन रखी है। हाँ तुम्हें इसे हटाना पड़ेगा। पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती, कितना खराब। ये जितना मैं कर सकती हूँ उससे बहुत अधिक है। तो फिर अब मेरी बारी, चलो देखते हैं। ओरियोस, शुक्र है। ओ लग रहा है कि ये उड़कर मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे छोटे कुकी हैं, अलग अलग स्वाद में। अब सबसे अच्छे हिस्से के लिए, बहुत बढ़िया। क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो? पकड़ो।
तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? यह रहा मेरा जवाब। Here we go. मैं गिर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसे अभी इसकी जरूरत है। मैं उसके लिए इसका ध्यान रख लूंगी। इस बार तुम पहले करो बेची। हाँ, खुशी खुशी। गाजर, बहुत बढ़िया। मुझे गाजर बहुत पसंद है। कितना अच्छा स्वाद है। तुम्हें पता है तुम मुझे क्या याद दिला रही हो? खैर कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। अब फाइनल टच, और अब मैं खा सकती हूँ। तुम्हें पता है इसे खाना बहुत आसान है। यह केक के टुकड़े को अच्छे से पकड़ता है। यह क्या हो रहा है? ओ, तुम बहुत प्यारे हो। यहाँ आओ प्यारे खरगोश। चलो साथ में पहिया घुमाते हैं। अरे नहीं ब्रोकली, यह अच्छा नहीं हुआ। शायद तुम्हें भूख लगी हो, तो फिर इसे खाओ। मुझे इसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। Well done. तुम सबसे अच्छे खरगोश दोस्त हो। अब अपनी जगह पर चले जाओ। मेरे मुंह में ब्रोकली क्यों है? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास अभी भी बहुत सारे गाजर केक हैं। चलो फिर पहिया घुमाते हैं। कृपया कुछ स्वादिष्ट देना। अचार? यह हुआ नहीं है जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। कुछ भी नहीं बदलेगा मैडम। इसकी महक, मुझे तो ये बर्गर में भी पसंद नहीं है। तब तो तुम निश्चित रूप से इसे केक पर भी पसंद नहीं करोगी। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है कि इसका स्वाद कैसा होगा। मेरे लिए दुआ करना। थोड़ा यह पी लो। छी, तुमने मुझे अचार का रस क्यों दिया? माफ करना, पर अभी इस पर बात करने का समय नहीं है। मुझे जल्दी से अपने केक को कैंडी से सजाना है। मुझे भी थोड़ा चाहिए। मेरे पास इसके लिए कुछ अलग योजना है। और यदि तुम चाहो तो मजे लेने के लिए शामिल हो सकती हो। ध्यान से देखो, मेरा केक एकदम सही टारगेट है। और अब बस इसे मीठे कैंडी से हीट करना है। मुझे यह खेल पसंद आने लगा है। ये बुलजाई, मैं देख रही हूँ कि किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। देखो और सीखो। मैं तो एक भी निशाना नहीं लगा पा रही हूँ। स्पष्ट रूप से मैं जीत रही हूँ और केक मेरा हुआ। ये बहुत नरम और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। तो क्या मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? एकदम सही केक। फिर से जल्दबाजी करके आगे जा रही हो। वह पहिया, ठीक है। चॉकलेट, और वो भी बढ़िया वाला। इस बात से कोई इनकार नहीं कि तुम किस्मत वाली निकली। मुझे लगता है कि मैं रैपर का भी उपयोग कर सकती हूँ। मैं अपने केक के ऊपर थोड़ा सा चमकीला रंग डालूंगी। वाह, यह बहुत सुंदर है। अब मेरे हाथ सोने से ढके हुए हैं।
पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस केक को सजाना है और इसके मजे लेना है। मैं बस यहाँ बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। एंचोवीज? नहीं, यह नहीं हो सकता। डिब्बाबंद मछली से बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी महक तो पाताल लोक में भी पहुंच जाएगी। अच्छा होगा अपनी नाक बंद कर लो। मुझे ये सब जल्दी से खत्म करना होगा। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे खा पाऊंगी। ऐसा लग रहा है कि मुझे जहर दिया गया है। मुझे भी। हमेशा की तरह अच्छा लग रहा है। चलो इसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह क्या है? What? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओह, यह बहुत खट्टा है। वह मुझे एक सेकंड के लिए दो। अरे उधर क्या है? तुम देखते रहो और मैं यह स्प्रे करती रहूंगी। तुमने ऐसा क्यों किया? खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है। बस मुझे इतना करना है कि ऊपर की परत को हटा देना है और अपने केक के मजे लेना है। कितना बढ़िया स्वाद। अच्छे से किया दोस्त। चलो देखती हूँ मुझे क्या मिला है। कितना अलग सा। अच्छा लग रहा है। ये कितने स्क्वीशी हैं। मुझे लगता है ये मेरे डिजर्ट के साथ अच्छे से जाएगा। मैं इस पर सारे एक साथ डाल दूंगी। वाह। मैं खाने जा रही हूँ। ओह, ये मेरे गले में फंस गया है। इसे मेरे ऊपर क्यों थूका? माफ करना, गलती से हो गया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ये लो। अब मामला बराबर हो गया। यह सबसे अच्छा केक है जो हमें पूरे दिन में दिया गया है। अब इसमें कुछ मीठा मिलाते हैं। गमी बियर, एकदम सही सामग्री। Awesome! ये बहुत प्यारे हैं और बहुत सारे। मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि मुझे भी कुछ अच्छा ही मिलेगा। गमी आंखें। इस दौर में हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। अब हमें उस पहिए की जरूरत नहीं है। मैं कुछ मजेदार लेकर आई हूँ। तुम हमारे केक को जलाना चाहती हो? What the? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस एक स्वादिष्ट टॉपिंग बनाने जा रही हूँ जिसे मैं ऊपर से डालूंगी। ये तो शानदार है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन अब मुझे भी कुछ करने की जरूरत है। ओ, ये बहुत भारी है, इसे वहाँ मत रखो। क्यों नहीं, ये एकदम सही है। ठीक है, मुझे लगता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, अगर इसका स्वाद अच्छा हो तो।